Hello madam, hello madam, hello madam, hello madam. सुनुछंदी उड़ीसा सपना नंबर 1 एफएम रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा आरजे पूजा एवं मो सहित अछंदी आरजे नील तेबे चली छी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक एवं अगस्त 1 रु अगस्त 7 पर्यंत आमे आपन को कथा देथिलु कि ब्रेस्ट फीडिंग को नेके आमे अवेयरनेस क्रिएट करबो एवं डेफिनेटली आपन को से जो टैबू टॉपिक रो बाहर करबो कोविड समय रे ब्रेस्ट फीड को नेकरी आपन अनेक मन भितरे प्रश्न रखितबे संदेह रखितबे ए सब को दूर करिया पे आमे सहित आज जने शिशु रोग विशेषज्ञ रहिछंती केयर हॉस्पिटल रु डॉक्टर ममता पंडा मैडम जी की ए इंडस्ट्री रे 22 वर्ष रो अधिक काम कर सरेनी मैडम वेलकम टू रेडियो चॉकलेट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आउ एटा गोटे स्पेशल अपॉर्चुनिटी काई ना वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक जो टाइम को जो टाकी इट इज आई थिंक इट इज 31st ईयर ऑफ सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाइड ब्रेस्टफीडिंग रो अवेयरनेस सब बड़े चली छी सो मेनी इयर्स सर्टन टाइम इट शुड बी कंटिन्यूड माने जो टाकी हमें को सस्टेन हे के रहबा तो माँ को जदि कोविड होउछे से समय रे माँ ता शिशु को स्तन्यपान करे पारिबो कि प्रथम कथा होची द बेस्ट गिफ्ट फॉर ए बेबी जोटा आमे को ब्रेस्ट फीडिंग जन्म होवा परे माँ ठू आउ मदर कोविड हो ता सहित यार कौन सी लिंक नहीं आपन सुनिश्चित निश्चित भाव में बेबी को आपन ब्रेस्ट फिडिंग करेंगे आपर्यंत जो दिवस है कोविड टेस्ट होपर्यंत प्रूफ है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फिडिंग आक्टिव वायरस कोविड वायरस ट्रांसमिट हो बेबी को ब्रेस्ट फिडिंग निहाती करवा दरकार तेज मैडम सुनले ना ब्रेस्ट फिडिंग कले आपको कोविड जदि कोविड आपंकू आप शिशु पाक संक्रमण होना कि वैक्सीन ना ब्रेस्ट फिडिंग वैक्सीनेशन मार हाँ निहाती दरकार एटा तो अवेयरनेस बढ़ी जाइए माँ मैंने भी नौचंती किंतु माँ नेलापर एटा निश्चित भाव टी फीवर हम पेन हम बट ताद्वारा जी ब्रेस्ट फिडिंग बंद करवा तार कौन संपर्क ना आपड़ आराम से ब्रेस्ट फिडिंग करेंगे जदि माँ को किसी पेन है नर्मल पारासीटामल जहाँ भी डाक्तर आडभाइज जदि कही ने प्रपर रेस्ट ने कि ब्रेस्ट फिडिंग जमा बंद कराद्वारा कौन सी रिलेसन ना आक्टिव जो भाईरस डेड भाईरस इंजेक्टेबल हो माँ देह को तो ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू रे किसी बेबी को अफेक्ट करबो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेबे ब्रेस्ट फीडिंग वीक रे कोविड समय रे किमिति आपण आपणक पिला को स्तन्यपान करेबे एबे आउ गोटे प्रश्न उठुछे आपण कहले कि मा को जदि कोविड हेछि ताहले किछ असुविधा नै वैक्सीन नउछि किछ असुविधा नै एबे छुआ पाकु फेरबा छुआ रे जदि कोविड हेथिबो से समय से ब्रेस्ट फीडिंग करै परिबे ना नै जदि भी इन केस बहुत रेयर चांस पिला को हबा जदि भी पिला को हला मोस्टली से माने एसिम्प्टोमेटिक थांति नले वेरी माइल्ड सिम्पटम हेथाय त सेथरे भी डरिबार नै आउ जदि छुआ को फीवर हैला अपनो डॉक्टर परामर्श निहाती नेबे आउ सी जो नॉर्मल जो एडवाइस करंती डॉक्टर जो मेडिकेशन से अनुसार देबे ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखिबे कारण ब्रेस्ट फीडिंग न्यूट्रिशन पार्ट बहुत इंपोर्टेंट रोल जोटा कि कोविड बेले रादर इनफैंट हो न्यूबॉर्न हो ना टिके बड़ छुआ जो मानक कम्प्लीमेंटरी फीडिंग 6 months रु स्टार्ट हेलन से तलुक रादर फूड पार्टा बहुत रोल तार बहुत कारण न्यूट्रिशनली से हेल्दी रहिले ही रिकवरी जो कहो आमे रेटा भल आउ जल्दी भी हुए बहुत जिनस आम श्रोता माने सुनिले नि आमु स्पेशली बहुत जिनस सिखिले आजे तबे कोविड समय रे कोन सब एक्स्ट्रा मेजर्स नबा दरकार गोटे मार्क तो ब्रेस्ट फीडिंग बले जो नॉर्मल हाइजीनिक अमर जो मेजर्स जहनिया हुए पर्टिकुलरली कोविड प्रोटेक्शन पई लाइक हैंड हाइजीन करले अमर ब्रेस्ट फीडिंग करबा अगुरु आ पिलार फूड प्रिपेयर करबा अगुरु 40 सेकंड जो रब अल्कोहल ना सोप वाटर रे हाथ धोईले सेटा तो करिवे फीडिंग पूर्वर ता छड़ा मास्क जोटा आमर रही कवर अप करिया पे नॉर्मल जदि आपन कफ करचें सिम्प्टोमेटिक मा अछि नॉर्मल मास्क व्यवहार करिवे हैंड हाइजीन करिवे सी स्टेप्स गुडा निहाती करिवा दरकार आउ सपोज मन कर एक्सप्रेस मिल्क करा होछि बेले बेले मदर बहुत सिक अछि जोटा कि नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड ब्रेस्ट फीड करि पार नहि जेंति करिवा कथा ताहले कोन कर एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क गुटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट कहीं कहा जाए ना जदि मनकर ब्रेस्ट फीडिंग जदि हमें बंद करदे विदाउट फुल स्टॉपेज करदे ताहले कौन सस्टेनेबिलिटी तापर हमको कंटिन्यूटी रहिबोनी ब्रेस्ट फीडिंग रो जदि हमें पूरा बंद करदे तेणु आप एक्सप्रेस करके मार मिल्कटा को पिला को पी पारे और एक्सप्रेस करिया आगुरु आपण जस्ट नॉर्मल सोप वाटर जमी वॉशिंग एव्री एक्सप्रेशन रे भी दरकार नहीं सपोज माँ कासी देला
କି ସ୍ନିଜିଂ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ନର୍ମାଲ ସୋପ୍ ୱାଟର୍ରେ 20 seconds ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭଲ କଣ୍ଟେନର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇଥିରେ ମିଲ୍କଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିଲ୍କ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କଟା କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ପିଲାକୁ ପିଇବେ। କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରିବା କଥା? ଖାଲି ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ସପୋର୍ଟ, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ରୋଲ୍ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଜିକାଲି କାମ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ବେଶୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଟୀକା ନେଇଯାଉଛି, ସେ ମେ ବି ତାର ଆଉ ମାନେ କ୍ଷୀର ହେବନି, ପିଲା ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବନି। ଅନେକ ମା ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଟୀକା ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ? ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମା ହଉ ଆଈ ଜେଜେମା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇଗଲେ କ୍ଷୀର କମିଯିବ, କ୍ଷୀର ଯେତେ ମା ଖୁଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର କିଛି ଫିକ୍ସଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଯେ ବନିକି ଅଛି ହେଇଯିବ ସରିଯିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ରେନ୍, ଯେତେ ମା ରିଲାକ୍ସ ରହିବ ପିଇବ ସେତେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ତିଆରି ଚାଲିଥିବ, ବନୁଥିବ ଆଉ ପିଲା ପାଇପାରିବ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କଟା। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇକି ନର୍ମାଲ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ 1-2 days ରିକଭର୍ଡ, ସେଇ ଭିତରେ ଜମା ଆଦୌ ବନ୍ଦ କରିବେନି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଛୁଆର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଏତେ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ନୀଲନ ପୂଜାକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନା ନମ୍ବର 1 FM ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ 104 FM ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଧୁମ୍ ମିଠା FM ଅନ୍ କରି ଶୁଣ ଧୁମ୍ ମିଠା, ତୁମ ସହିତ ଆମର ଚାଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁଦିନ 2-4 with Neil and Pooja। ହେଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍।